नमस्ते, जय हिंद। मैं हूँ रौनक। नमस्ते जी अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की आपको ढेरों शुभकामनाएं। नए साल पर इस चैनल के लिए ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें आपका आदर आदाब अभिनंदन आभार। वैसे क्या हाल चाल है आपके? कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया? नहीं लिया? वैसे भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये बारात का वो पकवान है जो हर इंसान खाए न खाए लेकिन अपनी प्लेट में जरूर रख लेता है कि कहीं छूट न जाए। मतलब प्लेट में रखा हुआ पापड़ भी उनसे कह रहा होता है। वैसे कहावत तो यही है कि नारियल फोड़ने के लिए और न्यू ईयर रेजोल्यूशन तोड़ने के लिए ही होता है, क्या समझे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे तोड़ने से याद आया कि इस साल कई लोगों ने बहुत कुछ तोड़ने की कसम खा रखी है। क्रिकेट में पुजारा और रहाणे फैंस का दिल तोड़ रहे हैं, थिएटर में पुष्पा हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है, नेता भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं, सर्दियां ठंड की हदें तोड़ रही हैं और हमारे कोविडियट्स, जी हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स तोड़ रहे हैं। कायदे से पुलिस को भी इनकी वो तोड़ देनी चाहिए, क्या समझे? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। वैसे इसी तोड़ मरोड़ के बीच में एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री आई है जिसे देखने के बाद आपका भी कई लोगों की वो तोड़ने का मन करेगा, क्योंकि चीज जोरदार है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये YouTube पर फ्री में अवेलेबल है। मतलब देश के बेरोजगार लौंडों के लिए ये किसी मनरेगा स्कीम से कम नहीं है। अंबानी जी डेटा तो फ्री में दे ही रहे हैं। तुम्हारी आते का यहीं थी जा रही। डॉक्यूमेंट्री का नाम है द साइलेंस ऑफ स्वस्तिका। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, क्लिक करके उसे जरूर देखना और अपना फीडबैक जरूर देना। लेकिन जब भी बात डॉक्यूमेंट्री की आती है तो हम लोग का मुंह ऐसे बन जाता है क्योंकि हमको मसालेदार खाने की लत लग चुकी होती है। अच्छा कंटेंट हमें पचाने में थोड़ा टाइम लगता है कि नहीं? सही बात है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री उस हाजमोला की गोली की तरह है जो आपका मूड एकदम सही कर देगी। इसके साथ ही आपको हिस्ट्री के, इतिहास के उस चेहरे से भी रूबरू कराएगी जिसने स्वास्तिका जैसे पवित्र सिंबल को दुनिया भर में हिटलर की नाजी सेना के सिंबल के रूप में बदनाम कर दिया। मतलब इतने अंधे तो महाभारत में धृतराष्ट्र नहीं थे जितनी अंधी वेस्टर्न मीडिया है। लखनऊ में आए तेंदुए को भी कुकड़ैल का नाला नजर आ जाता था, लेकिन इनको इतना बड़ा ब्लंडर नजर नहीं आया। मतलब कौन सा माल फूंक के ऐसी बातें करते थे? मतलब इतना नशा तो जैन साहब की इत्र में नहीं है जितने नशे में ये लोग फर्जी कॉलम लिख देते। डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत हिटलर के थॉट प्रोसेस को समझाते हुए होती है और धीरे धीरे वो हिस्टोरिकल पॉइंट्स खुलती चली जाती है जिसको देखने के बाद मन से यही निकलता है कि अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, क्योंकि ये सब हमको कभी पढ़ाया ही नहीं गया, ना हमने अपने बच्चों को कभी पढ़ाया। अब ऐसा क्यों हुआ ये आप सिस्टम सरकार जिससे चाहे उससे पूछिए, लेकिन सवाल ऐसा खड़ा हो जाता है कि इतना सब कुछ सामने होकर भी हमने आज तक इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। करीब एक घंटे की इस डॉक्यूमेंट्री में हर चीज का प्रूफ देते हुए बात को रखा गया है। कई जगह की बातें आपको हैरत में डाल देंगी कि चौराहे पर बोनट छू जाने पर ड्राइवर की गुद्दी पकड़ लेने वाली पब्लिक के इस देश में इतना बड़ा झूठ बोला गया और कोई बवाल क्यों नहीं कटावे। ऊपर से हिटलर की लिखी हुई किताबें, आर्काइव्स में रखी बुक्स, हिस्टोरिकल एविडेंसेस और ब्रिटिश रूल के दौरान लिखी गई चिट्ठियों और जर्मन लेखों का भी हवाला देते हुए एंड में ये सबूत दिए जाते हैं कि वो स्वस्तिका नहीं बल्कि वो हेकेन क्रॉस है जिसको दुनिया भर में स्वस्तिक के नाम से बदनाम किया गया। सब मिलाकर इस डॉक्यूमेंट्री में वो सारी चीजें अदरक की तरह कूटी हुई हैं जो बंद हो चुकी नाक को चाय की चुस्की के साथ खोल दे। वैसे भी कहावत है कि सोते हुए इंसान को उठाया जा सकता है, लेकिन सोने का जो नौटंकी का डरा है ना, उसको उठाना वैसा ही है जैसे जेठालाल का बबीता जी को पा लेना। तो आपको भी अगर अपनी नींद खोलनी है तो इस डॉक्यूमेंट्री को देखो, चीजों को समझो, लोगों को समझाओ, क्योंकि आप सोई हुई जनता को तभी जगा सकते हो जब आप खुद जागे हुए हो, क्या समझे? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बाकी इस डॉक्यूमेंट्री का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे देखकर अपना फीडबैक जरूर देना। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना। और हेलो, और कौन सा रिव्यू देखना चाहते हैं इस चैनल पर हमें कमेंट करके जरूर बताना, और बताना वीडियो आप देख कहां से रहे हैं। हमारे दूसरे चैनल्स पे भी जाना है, रणतंत्र आ रहा है नोपो पे और फनतंत्र हफ्ता वसूल, पूरे वीक का हालचाल और बवाल फनतंत्र में आरजे रौनक चैनल पे भी हमने डाला है, उसको भी जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फोक्स, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, सी यू सून।